नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां अफसरगढ़ में लो वोल्टेज व ट्रांसफार्मर फूक जाने को लेकर हाफसाबाद चमन के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शिकायती पत्र अफसरगढ़ एसटीओ को सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 100 केवीए की क्षमता का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जो कई वर्षों से ओवरलोड के चलते बार बार फूक जाता है। ग्रामीणों के कई बार शिकायत करने के बावजूद भी विद्युत विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते ग्रामीण गर्मी से बेहाल हैं। गांव में पीने के पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की है। नाम कुमार कार्तिक का नाम भैया, ग्राम आस्था चमन से आए हैं और ये जनता पूरी आई है, बिजली की समस्या के लिए आई है। पिछले एक साल से हमारे गांव में बिजली की समस्या है ट्रांसफार्मर की। उस पे लोड तो है 100 केवी का, कनेक्शन है 350 से ऊपर। इसमें पिछले साल भी एक सप्ताह में 4 ट्रांसफार्मर फूके थे, जो बदले गए थे। आश्वासन दिया था बढ़ाएंगे, इस बार भी क्या हुआ, ट्रांसफार्मर फिर फूकने लगे गर्मी में। आश्वासन फिर दिया बढ़ाएंगे, कोई सुनने को राजी नहीं। बच्ची की मृत्यु हो गई 4-5 दिन पहले गर्मी से गाँव में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आए थे तो इनका जय साहब का कहना था कि भाई ये तो गांव वालों का काम है, धरना लगाएंगे चले जाएंगे, इनका क्या है। परसों तरसों वहाँ भिक्का वाला पकड़ा था इन्हें, भिक्का वाले भी ऐसी गई 3 दिन से ना कोई लाइन मैन जा रहा ना कोई जा रहा गांव में। एक ट्रांसफार्मर कल रखाया था वही 100 केवी का, वो फिर पटक गया, तो उसका क्या निवारण होगा? इस समस्या को लेकर पूरा गाँव आया हुआ है, मगर निवारण कुछ है ही नहीं। सबकी सांत्वना मिल रही है बस, ये है बस, तो इसे पूरी कराओ हमारी मांग, ठीक है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।